दोस्तों सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ हनी सैगल। मैं इस वक्त मौजूद हूं बदरपुर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे चैनल पर आम आदमी पार्टी से, बदरपुर विधानसभा से, उपाध्यक्ष ग्रामीण मोर्चा से बबलू पंडित जी उर्फ मनोज शर्मा जी, जिनसे मैं 2018 में क्या क्या कार्य आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जाएंगे बदरपुर में उनसे बात करने वाला हूँ। सर, हुंकार 27 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 2017 में क्या क्या कार्य किए गए थे जिससे बदरपुर की जनता काफ़ी निराश है, काफ़ी खुश भी है, लेकिन आने वाला 2018 जो कि अब आ चुका है, क्या क्या कार्य हैं आपकी आम आदमी पार्टी के द्वारा जो किए जाएंगे? पहली बात तो मैं सारे क्षेत्रवासियों को, बदरपुर क्षेत्रवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सबको मेरी तरफ से राम राम। और सबसे पहले हमारा चल रहा है आपका मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक बनाने जा रहे हैं और गंगा जल की लाइनें डालने जा रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। जो सड़कें टूटी हैं उनको करने जा रहे हैं सही, और जो हमारे बुज़ुर्गों की पेंशनें हैं उस पर हमारा टारगेट चल रहा है। जैसे विकलांग हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही, मिलती नहीं है लोगों को, उनकी पेंशनों के ऊपर भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और एक दूसरा लोहिया पुल, आपका आली पर जो लोहिया पुल है उसमें आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अभी पीछे ही एक हादसा हुआ है जिसमें 10 दिन हो गए हैं, एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इस पर 2018 के अंदर हमारा पुल बनने जा रहा है जिससे 1 लाख आदमी कम से कम उस पुल से निकलता है, जिन लोगों को आसानी होगी आने जाने के अंदर। सर, कल सुबह सुबह 9 बजे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीचंद वोरा जी, उनके द्वारा एनटीपीसी ग्राउंड में, जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कूड़े के कारण, एनटीपीसी ग्राउंड में सुबह स्वच्छ भारत अभियान, सफाई अभियान चलाया गया था, और आज दोबारा वो सुबह वहाँ पहुँचे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और श्रीचंद वोरा और भी बहुत से लोग, दोबारा वहाँ पर कूड़ा था। एनटीपीसी ग्राउंड का कूड़ा सर ख़त्म ही नहीं हो पा रहा और लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, इन्फेक्शन, लोगों की प्रॉब्लम, तबीयत ख़राब हो रही है, जिस पर एमसीडी का कोई काम नहीं किया जा रहा, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखो, ये जो कूड़ा है ये एमसीडी में आता है और चारों वार्ड का कूड़ा जाकर 98 मर जाकर गिर रहा है वार्ड में। तो उस कूड़े को पहले तो इनको ये देखना चाहिए पहले ये कूड़ा कहाँ पर गिरता था। कृपया करके के शुक्ला जी जो दूसरों के ऊपर लांछन लगाते हैं वो अपना काम करें, अपना काम करेंगे तो बीमारियां वैसे ही नहीं आएंगी। एमसीडी का काम क्या है? खाली कूड़ा उठाना, लाइटें देना, यही तो काम है। अगर आप इस काम को भी नहीं कर सकते हो तो क्या फ़ायदा आपका पार्षद बनने का, और आप चेयरमैन हो। आप जाकर देखिए, उससे पहले देखिए, देखो हम तो अभी जुड़े हैं इससे आम आदमी से, तो पहले कूड़ा कहाँ गिरता था उसको वहाँ गिरवाओ उसको। सर, तीसरा जो सवाल है, काफ़ी ज़्यादा जनता परेशान है टंकी रोड से, तकरीबन 2 या 2.5 साल हो गए हैं टंकी रोड का निर्माण सही से नहीं हो पा रहा है और 2018 आ गए हैं। टंकी रोड का काम चल रहा है आपका, 2018 मार्च तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। महेश अमाना जी उसका बवंडर बनाते हैं, काम होते हुए भी उसको करने नहीं दे रहे हैं, उसका बवंडर बना कर पब्लिक को इकट्ठा कर देना, खाम खा के शोर मचाना, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। यही महेश अमाना जी बार गालियां देते थे और आज उन्हीं के साथ उनको, उनकी बड़ाइयाँ करते हैं, कभी उनको गालियाँ देते हैं। कल तक ये आम आदमी में भी झंडा लगाने के लिए तैयार थे, अपने फोटो लगे हुए थे, ये खुद आम आदमी में आना चाहते थे। इनको टिकट अगर नहीं मिली तो इन्होंने दूसरों को गाली देना शुरू कर दिया विधायक जी को, जबकि विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई भी जैतपुर मोड़ पर जो ये लोग बोलते हैं कि भाई मंथली जा रही है, किसी भी हमारे आदमी को पकड़ के दिखाओ कोई अगर मंथली लेता हो तो। हमारे जैसा नारायण दत्त शर्मा जैसा ईमानदार विधायक इस क्षेत्र में है अभी तक आया नहीं है। सर, महेश अमाना जी की आपने बात करी, उन्होंने काफ़ी बार हमारे चैनल के माध्यम से ये भी कहा है कि उनका जो वार्ड है 98S उसके अंदर विधायक का कोई भी कार्यकर्ता या नरेंद्र शर्मा के द्वारा खुद ही उनके वार्ड पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा नहीं है, आप खुद जाकर चेक कीजिए, खुद देखिए जाकर कि ना लोगों पर सरिये बिछे हुए हैं, काम वहाँ चल रहा है, तभी हम आपको मार्च तक का टाइम दे रहे हैं कि मार्च तक ये काम पूरा हो जाएगा। सर, जैतपुर मोड़ वो ऑटो स्टैंड एक बना दिया गया है, ऑटो वाले निकलते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर विधायक जी चाहें तो जैतपुर मोड़ पर जाम खत्म कर सकते हैं। विधायक का काम नहीं है ऑटो हटवाना, प्रशासन का काम है। काम प्रशासन का है, विधायक का काम नहीं है। फिर भी
अभी हमारा 3 दिन पहले हमारी खुद के पार्टी के लोग लगे हैं, ऑटो के लिए रास्ता अलग बनाया है। अभी आप जाकर चेक कीजिए कि जाम बिल्कुल नहीं लगता है इस टाइम, पहले बहुत ज़्यादा जाम लगता था। और कम से कम 4,000 ऑटो हैं और ज़्यादातर लड़के 15 से 16 साल 17 साल के लड़के हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, 8-8, 10-10 सवारियों को लेकर जाते हैं। किसी की टांग टूट जाओ, किसी का पैर टूट जाओ, उनका किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये काम प्रशासन को सोचना है। और अभी DCP साहब से मुलाकात हुई थी उनकी, हमारे नरेंद्र विधायक जी की, उनको स्पेशल कहा गया है कि इस चीज़ को जैतपुर मोड़ को देखो। फिर भी हमारे लोगों ने ही जाके परसों रात को ये काम किया है। अभी आप खुद जाकर चेक कीजिए, ऑटो की लाइन अलग बना दिए और पब्लिक, आम पब्लिक के लिए अलग बना दिए। तो इस माफिया को, तो ऑटो का माफिया को तो प्रशासन ही रोकेगा। फिर भी हमारे से जहाँ तक कोशिश होगी हम अपने आदमी लगा कर रखेंगे। सर एक तीखा सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी सरकार बहुत सी लहर लेके आई थी, बहुत से लोगों के लिए वादे लेके आई थी, बहुत लोग खुश हुए थे, ऐसा क्या बदरपुर में हुआ कि निगम के चुनाव में चारों निगम पार्षद बीजेपी पार्टी से चुने गए? इस बारे में तो पब्लिक ही कुछ बता सकती है कि पब्लिक ने क्यों नहीं चुना। और जिन पब्लिक ने जिसको चुना है निगम को, वो सारे ही परेशान है सफाई से। इनका काम सफाई का, इन पर सफाई भी नहीं हो रही। हमारे काम सारे काम आगे ऊपर रोक दिए जाते हैं। LG साहब के यहाँ से हमारी कोई फाइल पास नहीं होती। अभी पीछे मैंने पेपर में भी पढ़ा था कि LG साहब को भी झाड़ लगी थी कि इनके काम फाइलें क्यों रोकी जा रही हैं, CM साहब की फाइलों को, इनको काम करने दिया जाए। हमारी पार्टी काम करना चाहती है लेकिन लोग काम करने नहीं देते हैं, ऊपर जो प्रशासन बैठा है। सर 2019 में आने वाली सरकार, नरेंद्र शर्मा जी अपनी सरकार के द्वारा झंडा लहराएंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? जो आदमी एक बाहर से आकर रहता है, बाहर से आकर रहने का मतलब है कि देखो, नए आदमी को कोई भी, अगर आज हम कहीं नई जगह भी चले जाते हैं, कोई हमको 1,00,000 रुपये भी नहीं देगा। अगर हम किसी से 1,00,000 रुपये मांगते हैं तो लोगों ने उनको 1,00,000 वोटे दिए। वही विकासपुर पुरुष थे जो पहले यहाँ खड़े हुए थे, वो भी जीते थे, काम उन्होंने भी किया। लेकिन जब लोग किसी को चेंज, दूसरा देखना चाहते हैं, तो इन्होंने इनको चेंज करा, पब्लिक ने, पब्लिक 1,00,000 वोटे दिए। और ऐसे ही नहीं दी कि उनको कुछ अच्छा ही लगी उस उनके अंदर, इसलिए उन्होंने 1,00,000 वोटे से जीते हैं। और आज वो पब्लिक के चाहता हैं और अगली बार भी वही विधायक बनेंगे यहाँ से, और दूसरा कोई विधायक बनेगा नहीं। जो दूसरा उनके सामने खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त होगी। सर विधायक जी का अभी थोड़े दिन पहले एक भाषण में बयान दे रहे थे वो कि 500 से भी ऊपर कमरे अभी नए स्कूल बनाए हैं उनके अंदर बन चुके हैं और स्कूलों की मरम्मत की गई है और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो और नए बनने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहली बात तो बदरपुर महेश जी थोड़ा सा ये देखें, पहले तो खुद अपने कमरे गिन के आए स्कूलों में, कितने कमरे हम लोगों ने बनाए हैं हमारी पार्टी ने। 104 कमरे तो DDA फ्लैट बदरपुर में ही बने हैं। अगर उसके सामने जो बदरपुर NTPC के सामने स्कूल है उसमें बने, मतलब 200 से प्लस तो यहाँ ही कमरे बने हैं। और जिसमें कि 4 स्कूल आपके उधर हैं नहर पार, आप वहाँ गिन के आइए, कम से कम 500 से प्लस ही होंगे, माइनस नहीं है। उसके बाद आपका एक ताजपुर पहाड़ी में स्कूल बन रहा है जिसमें कि 88 कमरे बनने जा रहे हैं। एक आपका वहाँ खड्डा कॉलोनी में बन रहा है जिसका ये पहले भी कई बार उद्घाटन हो चुका है, श्रीमती शीला दीक्षित के द्वारा नारियल वहाँ फोड़ा जा चुका था, उसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन वहाँ एक ईंट भी नहीं रखी गई थी, जिसका कार्य चल रहा है हमारे नरेंद्र विधायक जी के सामने। और जिन विधायक जी के साथ ये हैं उनका तो नाम, रामवीर जी का नाम तो लोगों ने वैसे ही झूठी स्थान रख रखा है, तो उनका कुछ असर तो महेश अवाना जी में आएगा ही। सर आप जी, ये है राजनीति, इसमें यहाँ झूठी राजनीति में ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आता है, इसलिए ये झूठा बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम तो आपको खुद जाके चेक कीजिए, कमरे गिनवाइए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, DDA फ्लैट के अंदर 104 कमरे बने हुए हैं, जिसमें कि जो बड़े हॉल बनते हैं उसमें तो कमरों में गिनती नहीं आती, वो 10 कमरे का एक हॉल होता है। सामने हमारे 4 स्कूल हैं अपने यहाँ पर, 4 नंबर तो वहाँ, 4 स्कूल तो NTPC के सामने हैं, एक हमारा DDA में है, टोटल 6 स्कूल हैं शायद, तो उसमें 200 से प्लस कमरे हैं। और सारी विधानसभा में 598 कमरे बन रहे हैं, अगर कुछ उसमें 500 अभी भी अगर आप गिनोगे तो 500 से प्लस होंगे, जिसमें कि और कुछ बनने जा रहे हैं, जैसे आपका ताजपुर पहाड़ी का बन रहा है, खड्डा कॉलोनी का बन रहा है, ये स्कूल का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। लोगों ने सुना कि बबलू जी ने ये बताया कि विधायक जी 1,00,000 वोट लेकर बदरपुर विधानसभा से जीते हैं और बदरपुर के लोगों ने उनको चाहा है, तभी उनको चुनकर भेजा है। बहुत से कार्य
अधूरे रह गए थे वो 2018 में जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे, जैसे लोहिया पुल, मोड़बंद का जाम, डीटीसी की बसेस चालू होने वाली हैं लोगों के लिए ताकि उनको और भी ज़्यादा आसानी हो सके आने जाने में, ऑटो की लाइन और ऑटो का जाम बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, ऑटो का डिवाइडर अलग है, लोगों का डिवाइडर अलग है, विधायक जी के द्वारा काम किया जा रहा है। आगे की और तमाम खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ, कैमरामैन कुंदन के साथ हनी सहगल, हुंकार 24/7, बदरपुर।